नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में हो रहे सुस्त वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग काफी परेशान है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन देखा जाए तो सभी सीटों पर 2019 की अपेक्षा कम वोटिंग हुई और ये चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का सबब बनते जा रहा है। आपको बता दें कि कम वोटिंग होने के कारण जो है तरह तरह के कयास निकाले जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भी परेशान है, विपक्ष भी परेशान है और लोगों के द्वारा तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि गर्मी है बहुत ज्यादा, इस कारण से लोग नहीं जा रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं रही, चुनाव को लेकर इस वजह से लोग नहीं जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के हर एक घर से कुछ ना कुछ लोग बाहर हैं, पलायन की स्थिति है, जिस कारण वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वो लोग रहते यहाँ पर वर्षों से नहीं है, जिसके कारण से वोटिंग कम हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो है उन्होंने कल एक मीटिंग की और ये कहा कि आप और प्रयास करें ताकि लोग चुनाव में लोकतंत्र में ज्यादा बढ़ चढ़ के योगदान करें, हिस्सा लें और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। आपको बता दें जो खबरें निकल के आ रही है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने जिलों के जिलाधिकारी सह निर्वाचन जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया। पहले और दूसरे चरण के 9 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदान के दौरान पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम वोटर टर्नआउट पर उन्होंने चिंता जताई और आगे चरणों में होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं के लिए बूथों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन्हें बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देशानुसार इंतजाम करने को कहा है। श्रीनिवासन ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे से सातवें चरण के लोकसभा चुनाव वाले जिलों में चुनाव तैयारी की समीक्षा की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने चुनाव क्षेत्रों में प्रेक्षकों की तैनाती, विभिन्न कोषांगों के कार्य, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना इत्यादि की तैयारियों की समीक्षा की। वोट बहिष्कार करने वाले इलाकों की समस्या को दूर करें। बैठक में बिहार के CEO HR श्रीनिवासन ने जिलाधिकारियों को कहा कि मतदान बहिष्कार की सूचनाएं जिलों में उन्हें पहले मिलती होगी, इनसे जुड़े लोगों की समस्याओं को समझकर उसका निदान करें और मतदाताओं को मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे मतदान के बाद सुरक्षा बलों की दूसरी जिलों में रवानगी के लिए समयबद्ध होकर कार्य करें ताकि अगले चरण में होने वाले चुनाव की तैयारी पहले हो सके। बैठक में आपको बता दें कि स्टेट नोडल पुलिस पदाधिकारी सह ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार और जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो लगातार गिर रहा है उससे राजनीतिक दल तो परेशान हैं ही, चुनाव आयोग भी परेशान है। और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जहां पर भी चुनाव का बहिष्कार हो रहा है वहां पर आप जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, उनका निदान करें, सुविधाएं बढ़ाएं, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, प्रयास और ज्यादा करने होंगे। क्योंकि अगर लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचेंगे, मतदान नहीं करेंगे और पहले से मतदान गिरते रहेगा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और यहाँ पर चुनाव दर चुनाव कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का सबब बना हुआ है चुनाव आयोग के लिए भी। तो इसके लिए सभी लोग को प्रयास करना होगा, चाहे राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हों, प्रशासन के लोग हों, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है हर एक लोगों की कि वो प्रेरित करे कि आप मतदान करने जरूर जाएं। 5 सालों में आपको ये सबसे बड़ा मौका मिलता है और अगर आप मतदान नहीं करेंगे, अपने लिए सुयोग्य उम्मीदवार की खोज नहीं करेंगे, उनको संसद नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको 5 सालों तक समस्या झेलना पड़ेगा। तो जरूरी है कि मतदान करें, आसपास के लोगों को प्रेरित करें, घर वालों को प्रेरित करें कि वोटिंग के दिन कम से कम वोट जरूर करने जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।